नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इजराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که
هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ، اسرائیل کے ساتھ ناٹو. اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے. جہاں روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے تو وہیں امریکہ، برٹن، فرانس समेत तमाम पश्चिमी और नेटो देश इसराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इसराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इसराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इसराइली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इसराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इसराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इसराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इसराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इसराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इसराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इसराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. איראן נדחיה טרילר, אישות, תואבי בקי. פשלה קוץ' גנטו מג'ו הלאט פשם אישיה מג'נג סבנה. עושה עשה לגרה הקי אמריקה, בריטן, ג'נג מסידה תואר פרקות פנה. इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है, तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है।
पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़े 10 नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वही मुहाज़े 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इसराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन, घर में घुसकर बदला। 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इसराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इसराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इसराइल के वजूद का है। क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इसराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इसराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इसराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इसराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इसराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इसराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इसराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है, इसराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास हैं। इसराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इसराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है, इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इसराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इसराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा, जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी, युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे।
दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीव में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इजराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इजराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इजराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इजराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों के बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इसराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। का स्वागत है। इस वक्त इजराइल ने ईरान के हर बड़े मिलिट्री बेस को अपने टारगेट पर रखा हुआ है और उसने अटैक के लिए अपनी टाइगर फोर्स भी तैनात कर दी और तैयार कर दी है। अब फैसला है नेतन्याहू को देना है और इजराइल को अपने किस हथियार पर सबसे ज्यादा भरोसा है, ये जानकर ईरान भी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है। इसराइल जवाब देगा, इसका सबको यकीन है। फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है। चार देशों के नाम लिए जा रहे हैं, ये है ईरान, इसराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश अप्रैल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या अप्रैल के महीने में ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है? यह है इजराइल का F-35 फाइटर जेट। युद्ध के लिए बेचैन बैठा यही है असली विमान, जिसे इसराइल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है। ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। इसराइल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार किया हुआ है। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँच कर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। इसराइल के पास 39 F-35 फाइटर जेट है। अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है। अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है। इस विमान को रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान की छोटी लेकिन। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।